अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है नबील और आप देख रहे हैं मारखोर टीवी। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सिर्फ दो मुल्क ऐसे हैं जहां कोका कोला बेचना और खरीदना जुर्म समझा जाता है, और सबसे ज्यादा पी जाने वाली कोल्ड ड्रिंक कोका कोला शुरू में कीड़े मार दवाई और बाद में इंसानी जिस्म के जख्मों को भरने और पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। कोका कोला के मुतालिक मजीद दिलचस्प और हैरान कुन फैक्ट्स हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, कोका कोला की कहानी का आगाज 1886 में अमेरिका में शुरू होता है। कोका कोला के बानी जॉन पेम्बरटन अमेरिका की फौज में कर्नल रह चुके थे। अमेरिका में सिविल वॉर के दौरान जॉन के जिस्म पर चोटें आईं, जिसकी वजह से उनके पांव पर जख्म इतना गहरा हो गया कि वहां पर कीड़े पैदा होने लगे, जिसकी वजह से कोका कोला का पहला फार्मूला जो की कीड़े मार दवाई के तौर पर इस्तेमाल होता था, उन्होंने वो पेस्टिसाइड अपने जख्मों पर लगाकर अपनी मरहम पट्टी की। लेकिन बाद में कोका कोला के फार्मूले को चेंज करके जॉन ने सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी 1887 में फ्रेंच वाइन कोका के नाम से रजिस्टर करवाई और यूं कोका कोला की कामयाबी का आगाज शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले किसी को क्या पता था कि मेडिकल स्टोर पर दवाई के तौर पर बिकने वाली चीज दुनिया की टॉप सॉफ्ट ड्रिंक बन जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे एक दिलचस्प बात यह है कि कोका कोला सिर्फ दो ममालक ऐसे हैं जहाँ पर बेची और खरीदी नहीं जाती। जी हाँ दोस्तों, 1962 से ही अमेरिका और क्यूबा में तिजारत का सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद है। इसी वजह से कोका कोला अमेरिकन प्रोडक्ट होने की वजह से क्यूबा में मुकम्मल तौर पर बैन है। और दूसरा मुल्क है नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया को अमेरिका और उसकी पॉलिसी से सख्त इख्तलाफ रहता है। इसी वजह से अमेरिका के हर प्रोडक्ट पर नॉर्थ कोरिया में बैन लगा हुआ है। प्यारे नजरीन, कोका कोला जीरो, कोका कोला ऑरेंज, कोका कोला गार्लिक, हत्ता के सॉफ्ट ड्रिंक के इतने ज्यादा फ्लेवर हैं कि कोका कोला कंपनी का मानना है कि अगर कोई इंसान हर रोज एक फ्लेवर भी पिए तो उसे 9 साल लग जाएंगे, क्योंकि कोका कोला कंपनी के 3500 से भी ज्यादा फ्लेवर और प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों, नताशा हारिस जो कि सिर्फ 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से फौत हो गई, दुनिया में सबसे ज्यादा कोका कोला पीने की वजह से मशहूर थी। कहा जाता है कि नताशा एक दिन में 10 लीटर से भी ज्यादा कोका कोला पीती थी और ना मिलने पर खुद को मारती और पागल सी हो जाती थी। डॉक्टर्स का कहना था कि इतनी ज्यादा कोक पीने की वजह से नताशा को कई किस्म की बीमारियों ने घेर रखा था। और दोस्तों, बात भी सही है, जब आप रोजाना 10 लीटर ऐसी ड्रिंक पिए जो कि पेस्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, तो फिर आप अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं। प्यारे नजरीन, 2003 में पड़ोसी मुल्क भारत में एक अजीब इंकशाफ भी हुआ। भारत के गांव में कोका कोला को खेतों में पेस्टिसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से वहां की लोकल गवर्नमेंट ने 2 साल तक कोका कोला को बैन कर दिया था और वहां के किसानों को भारी जुर्माना और सजा भी दी गई थी, क्योंकि उस खेत से उगने वाली फसल सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह थी। दोस्तों, यहाँ पे एक और दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि कोका कोला जैसा फ्लेवर दुनिया की कोई भी और सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी नहीं दे पाई। 2006 में FBI ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया जिन पे ये इल्जाम था कि उन्होंने कोका कोला के इंग्रेडिएंट और फार्मूला पेप्सी को $1.5 बिलियन के भाव बेचा था, मगर इस चीज का कोई सबूत ना होने की वजह से उन तीनों को जल्द ही रहा कर दिया गया। इसी वजह से कोका कोला ने अपने फार्मूले को इतना सीक्रेट रखा है कि कोई भी इसे जान ना पाए, और वो इस काम के लिए काफी मेहनत भी करते हैं। शायद यही वजह है कि कोका कोला आज दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कोल्ड ड्रिंक है। प्यारे नजरीन, कोका कोला की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है कि अगर पूरी दुनिया में कोक के प्रोडक्ट्स को इकट्ठा किया जाए तो हर इंसान के हिस्से में 1000 बोतलें आएंगी। प्यारे नजरीन, ये तो थी दुनिया की नंबर 1 सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला के मुतालिक चंद दिलचस्प और हैरान कुन मालूमात। मजीद इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक फी इमानिल्लाह।